हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू फूड। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल से मिठाई, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और आप बिल्कुल मार्केट के जैसा घर पे ही मिठाई बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही कम समय में। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक नारियल ले लिया है, उसको इस अच्छी तरीके से छील लिया है, जो इस पर ब्राउन जो लेयर रहता है उसको छील के हटा लिया है, और उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और इसे काटने के बाद फिर हम मिक्सर के जार में इसे डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। और नारियल के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 इलायची, ताकि इसमें इलायची का टेस्ट आ जाए, और इन सभी को हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पीस लिया है, कुछ इस तरीके से हमें पीसना है। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे दूध, यहाँ पे छोटा कटोरी से हमने डाला है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे चीनी पाउडर। तो इन सभी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। वैसे तो नारियल में खुद ही वो ऑयल छोड़ता है, लेकिन फिर भी हमें इसे अपने तरफ से इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी इसमें डाला है, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे जो हमने नारियल को अच्छे से पीसा था, तो उसको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद फिर इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क पाउडर, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा कटोरी से 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, और उसको इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसको भी अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो ये मिठाई बनाई है बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप लोग अपने घरों में जरूर बना के देखिएगा। और अभी आ रहा है रक्षाबंधन, तो उस दिन तो आप लोग इसे जरूर बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए ये जब अच्छे से भुन चुका है, तो इसे हमने गैस को कर दिया है बंद, और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्लेट में ऑयल लगा लिया है, ऑयल लगाने के बाद फिर हम इसमें इसको डाल देंगे, और इसको अच्छे से फैलाने के बाद इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ठंडा हो चुका है, तो उसके बाद फिर हम इसे काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो जैसे आप इसको काटना चाहते हैं उस शेप में इसको काट सकते हैं। नारियल का तो लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही साथ इसकी मिठाई भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग अपने घरों में जरूर बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, और बहुत ही कम चीज़ों से भी बन जाता है ये, और इसे आप 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बच्चे हो या बड़े हो, सभी को ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग अपने घरों में जरूर बना करके देखें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। तो आज का मिठाई का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mr. Fuzzy.